हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक सिंपल सा सम। सेम यही सम आपके सीबीएसई इश्यूड सैंपल पेपर 2023 के सेक्शन ए में भी दिया हुआ है। इसमें आपको ये दिया हुआ है कि कोई नंबर है एक्स, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1060 डिग्री से और उसके बाद ये रिजल्ट मल्टीप्लाई हो रहा है cos 60 डिग्री से। मतलब x 1060 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin ऑफ 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cot 60 डिग्री। और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन x की वैल्यू आपको ये बतानी है कि है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी होगी, कौन से ऑप्शन में x की वैल्यू दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, मैं कंसिडर करता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है x जो हमें नहीं मालूम, उसके बाद है tan ऑफ 60 डिग्री जो कि होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया x मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद मैं बात करूंगा राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड है sin ऑफ 60 डिग्री जो कि होता है रूट 3 बाय 2 और उसके बाद ये मल्टीप्लाई है cot ऑफ 60 डिग्री से। cot ऑफ 60 डिग्री होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 3। ये सिंप्लीफाई होंगे और सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा 1 बाय 2। अब जैसा कि हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है, तो इनको इक्वेट करते हैं। इनको इक्वेट करने पे मुझे मिलेगा x स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे x की वैल्यू मिली 1 बाय स्क्वायर रूट 3। लेकिन देखो इन चारों ऑप्शंस में से 1 बाय स्क्वायर रूट 3 किसकी वैल्यू है, 10 ऑफ 30 डिग्री की। तो मैं बोलूंगा इसमें x की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हुई, 10 ऑफ 30 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है।